हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पर आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड फ्री वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज मैं आया हूँ अपने स्टूडेंट के घर पर, जिनको आज मैं कार को पोर्च से निकालना और रखना बताऊँगा, और फर्स्ट टाइम वो आज अपनी कार चलाने जा रहे हैं। तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, क्या नाम है और कितने दिन उन्होंने मेरे से ड्राइविंग सीखी। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। ओके, कितने दिन आपने मेरे से ट्रेनिंग ली? सर लगभग 10 डेज हो गया। 10 डेज, ओके। आज फर्स्ट टाइम अपनी कार चलाने जा रहे हैं आप? यस सर, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कैसा लग रहा है? गाड़ी तो आपने बहुत जबरदस्त दी, क्योंकि एसयूवी मॉडल है, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, जैसे कि देखिए इस साइड ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। जो गाड़ी आपकी सटी अगर वहाँ से सीधा आएगी तो हालांकि निकल आएगी, अगर साइड मिरर आप ओपन कर दोगे ना तो इसमें टकरा सकता है इस पिलर में, ये देखिए। तो साइड मिरर ओपन नहीं करना है गाड़ी जब पूरी निकालनी है। ये चीज़ देखना, जो ये साइड है ना, इस साइड को, ये जो आपका टायर है, ये थोड़ा सा और हल्का सा, अगर आप और हल्का इधर रखोगे ना ये, तो और अच्छे से निकल पाएगी। बाकी स्पेस एकदम सही गाड़ी खड़ी, जिसने भी खड़ी करी। चलिए बैठिए आप गाड़ी में, प्रभु का नाम लेके। एकदम कूल होके स्लीपर हटा दीजिएगा, नंगे पैर चलाइएगा ताकि टचिंग पैंडल का थोड़ा सा अच्छे से आ जाए। क्लच दबा के अपनी सीट उसको एकदम देख लीजिएगा, पहले पूरा क्लच दबाइए, सीट आगे पीछे, इग्निशन ऑन करिए, राइट वाला पैर संजय जी ब्रेक पे होना कंपलसरी। गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले ब्रेक पे पैर आए जी। अब इग्निशन ऑन करिए, इग्निशन ऑन हो गया, न्यूट्रल चेक करिए गाड़ी का। अब बिना क्लच दबाई स्टार्ट नहीं होगी, समझ रहे हैं? हाँ, क्लच दबाया ना कंपलसरी है। सर आप देख लीजिएगा एक बार, न्यूट्रल है। हाँ न्यूट्रल है, है सर। हाँ न्यूट्रल है। हाँ अब एक दो बार क्लच और ब्रेक को दबा दबा के थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। खड़ी गाड़ी पे क्लच दबाइए, छोड़िए, हल्का ब्रेक दबाइए, एक्सेलेटर दबाइए बिना इंजन ऑन करे, थोड़ा सा इसका जजमेंट ले लीजिए। अब वापस क्लच दबा के इंजन ऑन करिए, अभी गाड़ी निकालनी नहीं है, सिर्फ क्लच दबा के इंजन ऑन करिए। न्यूट्रल पे ही गाड़ी स्टार्ट करनी है। न्यूट्रल है, टेंशन ना लीजिए, न्यूट्रल ही है। आप क्लच दबा के स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रल नहीं भी होगी तो भी कोई इशू नहीं, गाड़ी कहीं जाएगी नहीं। बस अभी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कम से कम 10 से 15 सेकंड गाड़ी बढ़ानी नहीं चाहिए, ताकि इंजन ऑयल पूरी तरीके से गाड़ी में, इंजन में फैल जाए, क्योंकि नीचे बैठा रहता है ऑयल। और कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तुरंत बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी देखो डिस्प्ले में कुछ लाइटें आ रही हैं। यस सर। डीजल है पेट्रोल है ये? पेट्रोल सर। साउंड कैसा आ रहा है इसका? अच्छा पोर्च में खड़ी है। हाँ अब देखो डिस्प्ले में आपके ना दो लाइटें आ रही है, एक आ रही सीट बेल्ट की, एक आ रही हैंड ब्रेक की। तो पहले तो सीट बेल्ट डाल लीजिए। अब हैंड ब्रेक अनलॉक करिए, बटन दबा के ऊपर उठा के। हाँ हैंड ब्रेक ऊपर उठाइए खूब। हाँ और उठाओ, उठा के ताकि अब नीचे ले जाओ। अनलॉक हो गई, अब डालिए बैक गियर। लग गया? लग गया। देखो कैमरा ऑन हो गया, बैक गियर लगते ही कैमरा ऑन हो जाता है। अब आपको जिस कंडीशन में गाड़ी, इसी कंडीशन में बाहर जाना है, जरा सा भी स्टीयरिंग दाएं बाएं नहीं करना है, एकदम सीधा सीधा आना है। आ जाओ एकदम धीरे धीरे। हाँ रोक रोक के आ जाओ, आ जाओ, गुड, आ जाओ और जाने दो सीधा एकदम। एक बेनिफिट आपको ये है कि आपके घर के सामने खुला रोड है, तो पार्किंग में रखने में और निकालने में बहुत इजी रहेगा।
अगर आगे पीछे रोड नहीं होता तो फिर आपको इस गली में टर्न करना पड़ता, तो एक से दो बार आपको गाड़ी को लेफ्ट और राइट करना पड़ता। जाइए पीछे और जाइए, और जाइए, और हाँ जाइए बैक में जाइए, और जाइए, और जाइए, बस अभी साइड मिरर ओपन करिए, पता है ना कहाँ से होते, पहले पूरा क्लच दबाइए, क्लच पूरा नहीं दबाया आपका इसीलिए इंजन वाइब्रेट कर रहा था, गाड़ी गियर में एक्टिव हो रही थी। साइड मिरर पता है कहाँ से ओपन होते हैं, ये यहाँ नहीं 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 नहीं, नहीं ये यहाँ से नहीं सर, पूरा खोल के क्यों, अंदर का आरबीएम अंदर से कंट्रोल है। अच्छा ऑटोमेटिक नहीं, ओके वेश है, चलिए कोई नहीं। चलो अभी पहले गियर में डाल के गाड़ी लेफ्ट घुमाओ, पहले पूरी फुल घुमा लो गाड़ी फुल। हाँ अब पहला गियर डालो, आगे पीछे कर लो। हाँ हाँ ये गियर टकराएगा नहीं, निकल जाएगी, बट मैं बंद कर दे रहा हूँ। चलो 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 चलो, जाने दो जाने दो। बस रोक लो, अब इसको बैक गियर में वापस पीछे लेके जाओ, बैक करो पीछे लेके जाओ, हल्का राइट दबाओ स्टीयरिंग, हल्का राइट दबाओ, उस गाड़ी के पीछे लगाना होंडा के, बच जाओ। अभी क्लच का कंसर्ट थोड़ा, क्लच कई बार पूरा नहीं दबाते इसलिए गाड़ी पहले ही गियर में एक्टिव हो जाती है आपकी एक्टिविटी से पहले। जाओ जाने दो, आप चलो तो मैं बताऊंगा ना, जाने दो, और जाने दो। हाँ अब सीधी कर लो, बस सीधा एकदम, आपने ज़्यादा टेढ़ी कर दी, मैंने सीधा करने को कहा था, आपने स्टीयरिंग टेढ़ा कर दिया। रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो, मैंने आपको सीधा करने को कहा था, आपने स्टीयरिंग टेढ़ा कर दिया। देखिए सीधा ये होता है, ये है सीधा। सॉरी सर, जाओ पीछे धीरे धीरे, अपने राइट वाले लेफ्ट वाले आरपीएम को चेक करना। हाँ जाने दो, एकदम सीधा, बस वापस आ जाओ। बस रोक लो, यहीं से राइट लेना है आपको। चल सर अभी ये और भी मुझे दिख नहीं रहा है, तुम उसको ऑफसेट कर लीजिए ना। कैसे सर होता है ये साइड में, देखिए ये माउस लगा यहाँ पे, ये माउस है, ये इसको इसको राइट कर दिया, ये कहाँ गया, ये राइट की तरह। अब ये देखो ये इसको एज ए माउस की तरीके से सेट करना, ये जो चीज़ है ये इससे, जिधर भी ऊपर नीचे लेके जाना उसको माउस की तरीके से यूज करना। चलो बस अपने राइट और लेफ्ट को ध्यान रखिएगा। ये ऊंची गाड़ी, इसका बोनट पूरा दिख रहा है ना, जैसे सेंट्रो में बोनट नहीं दिखता है। एसयूवी मॉडल जो है इसका, इन सब गाड़ियों को चलाना थोड़ा और आसान है। हाँ यहाँ से राइट जाना है आपको, अपने राइट वाले मिरर को चेक करते रहना, लेफ्ट वाले को। सर राइट लेंगे सीधा, सीधा ले लो जैसे आपको सही लगे। जाओ चलो। संजय जी आप जो खाली अंगूठे से ब्रेक यूज करते हो ना, वो आपके लिए दिक्कत करेगा, ध्यान रखना इस बात को। एक उंगली से सिर्फ आप पेन नहीं पकड़ सकते हो।
नहीं तो सर पीछे फिर नीचे पैर नहीं सर टच हो रहा उसमें। क्यों नहीं टच हो रहा है? देखिए सर जब इसमें लगाते हैं तो नीचे फिर या तो जूते से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो यहाँ से राइट चलना, अपना लेफ्ट दबा के लॉन्ग हॉर्न पुश कर दो क्योंकि ब्लाइंड टर्न है और जितना लेफ्ट रखोगे उतना सेफ रहोगे। हाँ अब यहाँ से आपको लेफ्ट जाना, फिर बस ध्यान रखना क्योंकि अंधा मोड़ है ना, लोग अचानक आ जाते हैं। थोड़ा पहले काट दिया आपने। पिछला टायर देखो नीचे उतर गया था और पिलर था उसमें टकरा सकती थी गाड़ी आपकी। जाने दो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। सीधा सीधा सीधा।